पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, उस दौरान भारत के नाक के नीचे दबे पांव ड्रैगन अपने पांव फैला रहा है। हिंद महासागर को अगला साउथ चाइना सी बनाने की तैयारी कर रहा है। अब ऐसी न्यूज आ रहा है कि चीन मालदीप में कृत्रिम द्वीप बना रहा है, जिसे वो भारत के खिलाफ सामरिक रूप से इस्तेमाल कर सकता है। हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों से चीन के इस नापाक चाल का खुलासा हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा हिंद महासागर में बने चीन के आर्टिफिशियल आइलैंड भारत के लिए कितना खतरा है और भारत अब इसे काउंटर करने के लिए क्या कर रहा है। जानने के लिए आप आखिर तक वीडियो को देखते रहिए। आप मैप में देखिए भारत महासागर में मालदीव्स कहाँ है। मालदीव्स 1000 से ज्यादा छोटे बड़े आइलैंड्स को मिलाकर बना है और यहाँ 600,000 के आसपास लोग रह रहे हैं। मालदीव्स छोटा देश होने के बावजूद भारत के लिए जरूरी है, क्यों आपको बताता हूँ। मालदीव भारत महासागर में सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। यह हमारे देश के लक्षद्वीप द्वीप समूह से महज 700 किलोमीटर दूर है। मालदीव एक ऐसे महत्वपूर्ण जहाज मार्ग से सटा हुआ है, जिससे होकर चीन, जापान और भारत जैसे कई देशों का ऊर्जा की आपूर्ति होती है। भारत का करीब 97% अंतरराष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर के द्वारा ही होता है, इसलिए यह समझा जा सकता है कि इसके मार्गों को सुरक्षित करना भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर इलाके में 40 से ज्यादा देश और दुनिया के करीब 40% आबादी है। चीन ने एंटी पायरेसी अभियान के नाम पर 10 साल पहले ही हिंद महासागर में अदन की खाड़ी तक अपने नौसैनिक जहाज भेजने शुरू किए। इसकी वजह से मालदीव का महत्व लगातार बढ़ता गया और अब यह अंतरराष्ट्रीय भू राजनीति का केंद्र बन गया है। मालदीव में करीब 25,000 भारतीय रहते हैं, जो दूसरा सबसे बड़ा विदेशी समुदाय है। मालदीव में हर साल जाने वाले पर्यटकों का करीब 6% भारत का ही है। भारत और मालदीव का दशकों पुराना धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और कारोबारी रिश्ता रहा है। मालदीव को 1965 में आजादी मिलने के बाद मान्यता देने वाले पहले देशों में भारत ही शामिल था, इसलिए मालदीव हमारे लिए महत्वपूर्ण देश है। अब जानते हैं वो आर्टिफिशियल आइलैंड कहाँ है। आप मैप में देखिए, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने अपने कार्यकाल के दौरान 2016 में फेउदुला फिनलुलु समेत 16 द्वीपों को चीन कंपनियों को $4 मिलियन पे 50 साल लीज पर दिया था। चीन यहाँ साउथ चाइना सी के तर्ज पर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर भारत को घेरना चाहता था, मतलब ये छोटे छोटे आइलैंड को मिलाकर बड़ा आइलैंड बनाना चाहता था, ताकि यहाँ अपने मिलिट्री बेस बना के भारत को हिंद महासागर में घेर सके। देखिए, इस आइलैंड भारत से लगभग 700 किलोमीटर दूर है और हिंद महासागर में जिस रूट में ज्यादा ट्रेड होता है, ये आइलैंड उस रूट के नजदीक में है। सैटेलाइट इमेज में खुलासा हुआ है कि 2018 के मुकाबले 2020 में ये द्वीप का आकार 3 गुना बढ़ा है। जनवरी 2018 में ये आइलैंड की साइज लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर था। अब 2020 फरवरी में इसका साइज 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर हो चुका है। इसके साथ ही ये आइलैंड के नजदीक माले एयरपोर्ट भी है। अगर कभी जंग जैसी हालात होता है तो चीन अपने सैनिक भेजकर माले एयरपोर्ट पर कब्जा कर सकता है और उस एयरपोर्ट में फाइटर प्लेन उतारकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। चीन को आसानी से भारत के पास एक एयरबेस मिल जाएगा। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं चीन भारत को घेरने के लिए कैसे खतरनाक काम कर रहा है। लेकिन कई रिपोर्ट ये दावा करती है लगभग 1 साल से चीन द्वारा यह आइलैंड बनाने की काम बंद पड़ा है, क्योंकि 2019 में हुए इलेक्शन में चीनी समर्थित अब्दुल्ला यामीन हार गए थे और भारत समर्थित इब्राहिम मोहम्मद सोली जीतकर राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद वो ये सब प्रोजेक्ट को बंद कर दिए थे, मतलब ये सब जितना भी बना है 2019 की शुरुआत तक ही बना है। लगभग 1 साल से चीन की ये प्रोजेक्ट बंद है। हालांकि इसका खुलासा हमें 2019 की सैटेलाइट इमेज देखने के बाद ही मिल सकता है, ताकि हम कंपेयर कर सके 2018 से 19 तक कितना काम हुआ और क्या सच में 2019 के बाद चीन ये काम को बंद किया है या नहीं। देखिए, 2016 में अब्दुल्ला यामीन के टाइम पे मालदीव चीन के कर्ज जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। 2019 में मालदीव की GDP लगभग $5.5 बिलियन थी और तब मालदीव चीन को $3 बिलियन कर्ज देना था। इसके बाद जब 2019 में इब्राहिम मोहम्मद सोली की सरकार बनी, तब भारत के साथ मालदीव का संबंध फिर से ठीक हो गया। भारत ने मालदीव को $1.4 बिलियन के आर्थिक मदद भी की थी। इसके साथ और दो अहम डील किया जो चीन को इस एरिया में काउंटर करने के लिए था। पहला डील के हिसाब से भारत ने मालदीव में ट्रेनिंग सेंटर बनाया है, ताकि वहां मालदीव आर्मी को ट्रेनिंग दिया जा सके। दूसरा डील के तहत भारत मालदीव में राडार स्टेशन लगाए हैं। हालांकि भारत को बहुत पहले ही ये राडार स्टेशन को लगाना था, लेकिन जब अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति बने, वो चीन के कहने पर भारत के प्रोजेक्ट पर बैन लगा दिए थे, ताकि चीन उस एरिया में क्या हरकत कर रहा है इंडियन नेवी को पता ना चले। 2019 में राष्ट्रपति सोली के आने के बाद ये काम फिर से शुरू हुआ। अब सिर्फ मालदीव ही नहीं, श्रीलंका, मॉरिशस और सेशेल्स में भी भारत ने इस तरह के राडार स्टेशन लगाया है, ताकि हिंद महासागर में चीन की उल्टी सीधी हरकत पर नजर रखा जा सके। आखिर में बस इतना कहूंगा, आज मालदीव में चीन के आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने का काम जरूर बंद है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आज से 3-4 साल बाद भी स्थिति ऐसा ही रहे। अगर कल को मालदीव में चीन समर्थित कोई सरकार आता है, चीन फिर से अपना काम शुरू कर देगा। दोस्तों, ये सब ऐसा चलता ही रहेगा। भारत के जितने पड़ोसी है, पाकिस्तान को छोड़कर चीन ये सब देशों को अपनी तरफ करके भारत को घेरना चाहेगा और भारत चीन को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करेगा। आज कोई देश भारत की तरफ है तो वो कल चीन की तरफ हो सकता है, और आज जो देश चीन की तरफ है, पाकिस्तान को छोड़कर वो देश कल भारत की तरफ हो सकते हैं। ये खेल दोस्तों लंबा चलेगा।